हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद था आज मैं आप लोगों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी और आज का मेरा टॉपिक है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2021 देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स हैं क्या कौन कौन से हैं और इनमें विनर कौन कौन से रहते हैं सबसे पहले मैं यहाँ आप, आपको बता दूं कि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता क्या है देखिए इसमें फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल प्रोफेशनल टेनिस इवेंट्स हैं जो कि हर एक साल ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं और ये जो इवेंट्स हैं ना वो आपको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं अगर आप मेजर जो चार ग्रैंड स्लैम्स हैं ये देखिएगा तो यह आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विम्बल्डन ओपन एंड यूएस ओपन ये चार मेजर इवेंट्स हैं जो हर एक साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ये जो है वो कहां ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इनका वेन्यू क्या बताऊंगी देखिए क्लियर कर देती हूं कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक ग्रैंड स्लैम में देखिएगा तो पांच इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं मेन्स सिंगल वुमेन्स सिंगल मेन्स डबल वुमेन्स डबल एंड मिक्स डबल मोस्ट ऑफ जो एग्जाम है ना उसमें आपको मेन्स सिंगल या फिर वुमेन्स सिंगल का रनर या विनर का नाम पूछा जाता है रेयर ऑफ द रेयर ही आप अगर कहीं देखिएगा तो आपसे सॉरी डबल डबल या वुमेन से तो रेयर ऑफ द रेयर देखने को मिलेगा अगर कहीं देखने को भी मिलता है तो आपको डबल से देखने को क्वेश्चन मिलता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे पॉइंट्स कवर करूंगी बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी दूंगी जिससे आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं और एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए पीडी जुलाई का अपलोड किया था डिटेल एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा दो से दो के जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं वो भी मैंने आपके साथ अभी रिसेंटली कवर करा है आई कार्ड में लिंक उसका भी प्रोवाइड करूंगी आप जा करके एक बार जरूर देख लीजिएगा देखिए ये कुछ टॉपिक है ना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब श्योर शोर टॉपिक्स में आप इनको काउंट कर सकते हैं जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक शेयर और, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए लेट्स स्टार्ट द वीडियो पहले मैं आपको बेसिक बता दूं इन ये जो चार ग्रैंड स्लैम्स हैं इनके मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देती हूं देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो आपको जनवरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है इस साल हो चुका है फ्रेंच ओपन जो है वो भी आपको लेट मई से अर्ली जून में ऑर्गेनाइज किया जाता है इस साल फ्रेंच ओपन भी हो चुका है एंड विम्बल्टन देखिएगा तो कल ही रात इसका रिजल्ट आया है विम्बल्टन ओपन जो है वो आपको लास्ट वीक ऑफ जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ऑर्गेनाइज किया जाता है यूएस ओपन दो का अभी तक नहीं हुआ है ये आपको अगस्त से सेप्टेम्बर में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और इस साल भी शेड्यूल्ड है चलिए यहाँ पे कुछ और चीज मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन जो है ये आपको हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है लेकिन वहीं अगर आप फ्रेंच ओपन देखिएगा तो ये आपको क्ले कोर्ट पे खेला जाता है एंड विम्बल्डन जो है वो आपको ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है विम्बल्डन जो है वो आपको ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है अगर आप इसको देखिएगा तो ये एटीन से खेला जा रहा है इसके बाद सेकेंड ओल्डेस्ट आपको यूएस आएगा एटीन से खेला जा रहा है फ्रेंच ओपन अगर आप देखिएगा तो एटीन से एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन नाइनटीन से ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको इन चार ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड बता दिया है अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले ऑर्गेनाइज भी किया गया था जनवरी में अगर आप इसमें मेन्स सिंगल देखिएगा तो इसके विनर थे नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं अगर आप मेन्स सिंगल में रनर अप देखिएगा तो वो आपको है डेनियल मेदवेव ये आपको रशिया के प्लेयर हैं देखिए मैं इन प्लेयर्स के नाम बार बार आपको बताते जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप बिल्कुल आप इसको स्किप मत कीजिएगा ये पार्ट भी आप देख लीजिएगा नेक्स्ट है हमारा वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो इसकी विनर है आपको नाओमी ओशाका जो कि जापान की की है और आप, आप देखिएगा तो जेनिफर ब्रैडी है जो कि यूएसए के प्लेयर है अगर आप इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन देखिएगा तो ये आपको मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में जो है वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच ओपन 2021 देखिए फ्रेंच ओपन से रिलेटेड भी मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ अगर आप इस बार का फ्रेंच ओपन देखिएगा तो आपको लेट मई से अर्ली जून में ऑर्गेनाइज कर दिया गया था इस बार का फ्रेंच ओपन आपको पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था अगर आप इसमें मेन्स सिंगल में विनर देखिएगा तो नोवाक जोकोविक है जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं रनर आप अगर आप देखिएगा तो जेनिफर सॉरी स्टेफारोस सिद्ध पास हैं जो कि ग्रीस के प्लेयर हैं अगर आप वुमेन्स सिंगल में देखिएगा तो इसके विनर अगर आप देखेंगे तो बार के केजी कोवा है जो तो कि क्रच रिपब्लिक की है रनरअप अगर आप देखिएगा तो अनासिस्टिया अना पाटलू चोको ओवा ये रशिया के प्लेयर है देखिए इनके प्रोनाउंसिएशन जो है वो मैं प्रॉपरली नहीं कर पा रही हूँ तो आप इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन हम लोगों से वैसे भी बहुत डिफरेंट होता है यहाँ पे एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि नोवाक जो जो को भी जब आ, ये फ्रेंच ओपन जीते थे तो ये इनका नाइनटीनथमा टाइटल था अभी तक के जीतने का और अगर आप फ्रेंच देखेंगे तो इनका सेकेंड फ्रेंच ओपन क्रॉन था जो कि इन्होंने जीता था यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप याद रख लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन दोनों में मेन्स का विनर जो था वो आपको नोवाक जोकोविक को है चलिए अब हम लोग देखते हैं विम्बल्डन 2021 तुण। अगर आप इसका मेन सिंगल देखिएगा तो इसके विनर थे नोवाक जोकोविक सर्बिया के प्लेयर हैं रनर आप अगर आप देखिएगा तो मेटेयो बेरिटीनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं देखिए विम्बल्डन के बारे में बता दूं कल ही जो ट्वेल्थ जुलाई है उसको आपको विम्बेंडन का फाइनल मैच खेला गया था यह जो मैच था वो आपको विबिल्डन लंडन में खेला गया था अगर आप नोवाक जोकोविक का देखिएगा तो सिक्स विब्बल्डन टाइटल था और इनका ट्वेंटी ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी था इसी के साथ ये रॉबर्ट फेडर को लेवल में आ चुके हैं लेकिन अभी भी राफाल नाडाल जो है उनके पास मोस्ट सिंगल ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो राफाल नाडाल के नाम ही है चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं वुमेन सिंगल में वुमेन सिंगल में आप तो आप अगर आप विनर देखिएगा तो एसले बाटे जो कि ऑस्ट्रेलिया की है रनर अप अगर आप देखिएगा तो कैरोना प्रोटेस्को जो कि क्रेच रिपब्लिक की है कल ही ये मैच खेला गया था इस साल ये तीन इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर चुके हैं कर दिए चुके हैं बस एक ग्रैंड स्लैम अभी तक नहीं हुआ है यूएस ओपन जो कि आपको अगस्त से सेप्टेम्बर के लिए शेड्यूल्ड है कोविड का सिचुएशन अगर नॉर्मल होता है तो ये आपको खेला जाएगा ये मैच चलिए जैसे ही ये भी होता है मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में अपडेट कर दूंगी देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये इस टॉपिक से अगर आप लास्ट जितने भी ईयर्स के लास्ट चार पांच ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो ओपन जो टूर्नामेंट्स होते हैं जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए चार ही तो हैं बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं जिसमें आपको मेन्स का जो सिंगल uh, टाइटल है वो सारे नोवाक जोकोविक को ही दिए गए हैं तो इसी तरीके से आप थोड़ा कोडिलेट करके इसको याद रखें सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए मैं आपको एक चीज यहां पे मेंशन करना चाहती हूं कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने जिन्होंने उड़ीसा एसएससी का एग्जाम दिया था उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में से ट्वेंटी प्लस क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली जो मैंने उनको पढ़ाया है उससे उन्होंने करेक्ट मार्क करा है तो इस चीज़ के लिए पहले मैं उनको थैंक यू बोलूंगी कि ये चीज़ उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया था मुझे बताया ये चीज और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि आप अगर मुझे रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स दीजिएगा चाहे वो एस का एग्जाम जो कि आपको सेप्टेम्बर के लिए शेड्यूल्ड है आई बी का एग्ज़ाम है कल या परसों में आपको आई कलर का नोटिफिकेशन आ चुका है इन सब के लिए इवन आप बी के लिए भी मैं आपको बोलूँगी अगर आपने सिक्सटी सिक्स बी दिया होगा और जो लोग मुझे मेरे इनिशियल डेट से फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बताऊँ या फिर उनको पता भी होगा कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली मेरे पढ़ाए हुए पार्ट से आए थे मेरे वीडियो से हुए थे हालांकि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे इस वजह से मैं क्लेम वगैरह नहीं कर पाई थी लेकिन सिक्सटी सेवंथ बीपीएससी के लिए मैं आपको कहूंगी कि आप थर्टी प्लस करंट अफेयर से एक्सपेक्ट कर लीजिए कि इतना तो आपको आना ही आना ही एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा सिक्सटी सेवन्थ बीपीएससी के लिए तो आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कीजिए बहुत अच्छे से कवर कीजिए बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए परीक्षा महोत्सव का वन लाइनर लेकर के आऊँगी देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि कुछ भी पार्ट आपका स्किप ना हो आपको मैं जितना अच्छे से जो चीज कवर करा करंट अफेयर्स मैं उतनी अच्छे से आपको कवर कराऊंगी मेरी पूरी कोशिश रहेगी ताकि थर्टी प्लस जो क्वेश्चन आएंगे बीपीएससी में से वो आप थर्टी प्लस गारंटी के साथ करेक्ट मार्क कर करके आए और इसका क्रेडिट मुझे दें मैं इसके लिए बहुत अच्छे से वेट कर रही हूं कि ये मोमेंट कब आएगा चलिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए मैं बहुत जल्दी मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं लास्ट सिक्स मंथ्स का अपॉइंटमेंट कवर कराऊँ तो मेरी पूरी कोशिश है कि विद इन वन और टू डेज मैं आपको अपॉइंटमेंट्स कवर करा दूंगी मैंने रिसेंटली गवर्नमेंट स्कीम्स अपलोड किया है टू से टू तक का ट्वेंटी का मैं काम कर रही हूँ जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा अपडेट हो जाता है मैं आपको सिक्स मंथ्स का जो जनवरी टू जुलाई का है, वो मैं सॉरी जून का है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी साथ ही साथ एक और अपडेट यहां पे देना चाहूंगी कि ये जो तो सा लास्ट सिक्स मंथ्स के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको कवर कराने स्टार्ट किए हैं इसमें आप दो तीन पॉइंट ही बचा हुआ है एक तो आपको डिफेंस बचा है एक एमओयू बचा हुआ है ये सारे मैं आपको कवर कराऊंगी इसके बाद मैं आपको परीक्षा महोत्सव का रिव्यू दूंगी बहुत जल्दी ही आपको अगस्त का भी पी आ जाएगा जैसे ही आएगा मैं आपको उसके भी डिटेल एनालिसिस अपलोड कर दिया जाएगा चलिए इसी के साथ इस कोविड के टाइम पर स्टे एट होम स्टे सेफ थैंक यू